अलग ही आरोप जो हमारे अभी वर्तमान में मिले हैं हमारे आदर्श है बुजुर्ग हो गए इलेक्शन लड़ने का मन नहीं बनाया था और फिर तैयार हो गए लोगों ने जिता दिया लेकिन कुछ कमियां रह गई आपको लगता है क्या मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ कोई छोटा मोटा नहीं गहरे समझ सकता हूँ सबको साथ लेकर के इसमें विकास में जो कमियां सब कमियों को पूरा सरपंच निर्विरोध बना जिला परिषद के दो इलेक्शन दोनों जीता भूमि विकास बैंक के दो इलेक्शन लड़ा दोनों ने जीता और भी छोटे छोटे कई इलेक्शन में इलेक्शन जीता क्या लग रहा है क्या जोश है मेरे आप समझदार हो चार जगह के आए हो पांच चौथी जगह आए हो तीन जगह देख के लोगों क्या जोश है क्या उत्साह है लोग इसके बारे में टिप्पणी आपको पता है चर्चा ये भी चल रही है बीजेपी को फायदा करने वाले कांग्रेस को नुकसान होने वाला मैं किसी को नुकसान करने के लिए खड़ा नहीं हूँ सिर्फ भावी विधायक शायद क्या समीकरण बिठाने वाले किस तरीके से जीत का आधार हुआ ये पब्लिक समीकरण बिठाएगी तो इस बार तो 36 कौन लिख रही है मंत्री मैं कहता हूँ आपको इस कोने से उस कोने तक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी किसान वर्ग हो दलित हो एससी एसटी के लोग हो ब्राह्मण हो महाजन सब लोग आप मंच पे देख सकते हैं एक बार दूसरे को जाकर उनसे बात भी कर सकते हैं पीर भी है फकीर भी है सब तरह के लोग हैं सारे लोग मेरे साथ हैं तो मेरे पीछे भी जितना है आपको लगता है क्या ऐसे कैसे कोई बात बॉर्डर का इलाका है ऐसी कौन सी समस्या है मैं अलग ही आरोप जो हमारे अभी वर्तमान में मिले हैं हमारे आदर्श है बुजुर्ग हो गए इलेक्शन लड़ने का मन नहीं बनाया था और फिर तैयार हो गए लोगों ने जिता दिया लेकिन कुछ कमियां रह गई उन कमियों को पूरा करने के जैसे शिक्षा के मामले में पानी के मामले में बिजली के मामले में डीएनपी के बारे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधा लेकर है उसमें दिल से काम करेंगे मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ कोई छोटा मोटा नहीं गहरे समझ सकता हूँ सबको साथ लेकर के इसमें विकास में जो कमियां हैं सब कमियों को पूरा लोगों का हर बार शिकायत रहती है चुनाव के समय तो दावे करते हैं पर चुनाव के बाद में कोई आता नहीं मेरे बारे में आपको बता दूं मैं आज तक जितने इलेक्शन में कोई इलेक्शन नहीं सरपंच निर्विरोध बना जिला परिषद के दो इलेक्शन दोनों जीता भूमि विकास बैंक के दो इलेक्शन लड़ा दोनों ने जीता और भी छोटे छोटे कई इलेक्शन में इलेक्शन जीता संगठन को मैंने लंबे समय चाहे एनएसओ में 8 साल अध्यक्ष रहा कांग्रेस का मैं लंबे समय तक अध्यक्ष रहा अगर मेरे को समझ नहीं होती जब लोगों को प्रोड़ना नहीं आता मेरे को तो लंबा काम नहीं कर पाता तो मुझे मेरे आत्मा पे मुझे मेरे खुद भी इतना विश्वास है मैं सिर्फ जनता का साथ रहूंगा और 24 घंटे का साथ रहूंगा या देखेगा अगर मेरे को एक दिक्कत है तो यहाँ से हो सकता है जहाँ की जनता मेरे को बार बार ये मौका मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहता है इस बार कांग्रेस के बीच में है आपके हिसाब से मैं मेरी बात करूंगा मुकाबले वाले में सामने क्या है क्या नहीं हम हमारे लकीर को लंबा कर देंगे बाकी वाले लकीरें छोटी हो जाएंगी।